अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आप लोग जल्दी से बुक्स निकाल लें, पेज 157। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आयरन के बारे में कि आयरन हमारे बॉडी में क्या क्या अदा करती है। आयरन को अगर हम देखें तो ये पार्ट है हेमोग्लोबिन का। ये हेमोग्लोबिन असल में है क्या, तो चलिए आप लोग को बता दूँ। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है जिसको हम ब्लड कहते हैं, और ये ब्लड जो है इसका अगर आप लोग कलर देख लें तो इसका कलर रेड होता है। ये रेड कलर इनका क्यों है, दिस इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हेमोग्लोबिन आयरन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, मींस आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ब्लड का अगर कलर रेड है तो ये हेमोग्लोबिन की वजह से है। अगर हेमोग्लोबिन जो है ये पिगमेंट ब्लड में ना होता तो ब्लड का कलर रेड ना होता। द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, दिस इज ड्यू टू अ पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए तो हेमोग्लोबिन जो है इट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है क्योंकि इनका अगर हम नेम देखें तो इसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं और आयरन मौजूद होता है। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है, और इनका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। हेमोग्लोबिन इज अ मेड अप ऑफ फोर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन में फोर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। याद रखें कि इसमें टेट्रा है, यानी फोर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं और ये सारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इधर अगर आप लोग देख लें तो ये हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से। आप लोग सांस लेते हैं, आप लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं जिसको इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जब आप लोग इनहेलेशन कहते हैं करते हैं सॉरी तो आप लोग की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के लंग्स में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मौजूद है एल्वेलाई। एल्वेलाई का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ये डिफ्यूज हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो है ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है तो हेमोग्लोबिन जो है इसी ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझे कि हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड है, एक ऑक्सीजनेटेड है एक डीऑक्सीजनेटेड है। जो डीऑक्सीजनेटेड है उनको हम गंदा ब्लड भी कहते हैं क्योंकि उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड नॉट प्योरिफाइड। इसके अलावा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके साथ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी रिलीज होती है, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प होती है। तो ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होता है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के सर्फिस पे छोड़ देता है और यहाँ से ये लेता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लंग्स के सरफेस पे डिफ्यूज हो जाता है तो इनको ब्लड ले लेता है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। इसके अलावा ब्लड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है तो वो इधर छोड़ देता है, तो लंग्स यही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल देती है विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन। यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एक्सहेलेशन के थ्रू, और इनहेलेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आ रहा है वो ब्लड के साथ मिलके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना रहा है। क्लियर। यहाँ पे अगर आप लोग को मैं दिखा दूँ तो ये जो है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें फोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक आयरन होता है मेड में। आयरन जो है दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये जो है ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये कैपेसिटी है कि वो अपने साथ अटैच करे फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लाइक अगर हम बात करें तो एक हेमो
अगर हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये अपने साथ अटैच करे होमोनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो जब ये अपने साथ ये कैपेसिटी रखता है फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा कि ये लंग्स में इनहेलेशन के जरिए जो ऑक्सीजन आया है वो इनको लेगा और इनके साथ ब्लड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे रिलीज करेगा। लाइक अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही है ऑक्सी टाइपिंग की वजह से, ऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो लंग्स के सरफेस पे इनके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के सरफेस पे ये छोड़ देता है, और इनके साथ जो लंग्स के सरफेस पे ये छोड़ देता है। फिर लंग्स इनको कैसे निकालता है, बाय एक्सपायरेशन या बाय एक्सहेलेशन। अब यही ब्लड जो है ये यहाँ से ले लेता है, यही ब्लड जो है ये ले लेता है लंग्स से ऑक्सीजन, और लंग्स के ऊपर ऑक्सीजन कहाँ से आया है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। तो एक साइकिल होता है ये जारी होता है। तो अगर ब्लड ऑक्सीजन ले रहा है तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट है और वो अपने साथ फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर सकता है। तो हम इनहेलेशन की मदद से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ब्लड के साथ शामिल होकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना रहा है, और जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स की सरफेस पे रह जाता है और इनको हम एक्सपायरेशन के जरिए रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसलिए निकालते हैं, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है।